मर्जियों पे अब हम चले। इतनी सुंदर लग रही हो तो यकीनन मेरे साथ तो डेट पर नहीं जा रही हो। यस मिस समायरा खन्ना, आज किसके कत्ल की तैयारी हो रही है? अर्जुन। हे बच्चू, मैं तुम्हें ये देने आया था। लेट्स सी, तुम्हें ये याद है? बेबी सैम। बेबी सैम आपको कहां से मिल गई? वही जहां मैंने शायद अपने सैम को खो दिया है। सैम, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आई ट्रस्ट यू बेबी। मैं जानता हूं तुम जो कुछ भी करोगी सोच समझ कर ही करोगी। हर दो लोग जो एक साथ सफर करते हैं वो हम सफर नहीं होते हैं। जानती हूं पर यही बात मैं उस राधिका को समझाना चाहती हूं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पा, या तुम्हें बर्बादी से बचा लिया? पा, देखो बेटे, सच क्या है ये तो मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी बच्चू किसी की बर्बादी से खुश नहीं हो सकती। मैं खुशी ढूंढ भी नहीं रही हूं। मेरी खुशियां तो अर्जुन की शादी के साथ ही चल गई। सारे सपने खत्म हो गए। जिस शाम को आप ढूंढ रहे हो पा, वो उसी शादी की आग में जलकर राख हो गई। अब कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी कोई दस्तक हो। मकान खाली हुआ है, कोई तो आएगा। ये क्या? डिवोर्स पेपर्स। अर्जुन, आज के आज उस लड़की से पेपर साइन करवाओ, इससे पहले कि फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी करे। ये पेपर साइन कराओ और घर से निकालो उसे। नंदू, मैं थक गया हूं। मैं ये पतले और बर्बादी के सपने देखते देखते अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा। चलो लंदन वापस चलते हैं। बदला नहीं चाहिए मुझे। जिस आग में इतने साल जली हूं उसी में जलकर मर जाऊंगी। अर्जुन, मुझे तुमसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। तो क्या हुआ अगर
एक वादा पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ अगर खेल शुरू होने से पहले तुमने हार मान ली? मुझे तो आंसू बहाने की आदत है, बस सोचा था अगर ये सब हो जाएगा तो वो आदत टूट जाएगी। लेकिन अर्जुन अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम्हारी आदत टूटेगी नंदू, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। बस ये खेल अब जल्दी ही खत्म होगा, सैम अब भी मुझसे प्यार करती है। मैं बहुत जल्द तुम्हारा बदला तुम्हें दे दूंगा। अर्जुन कुछ भी हो जाए खेल खत्म करने के लिए पेपर साइन कराना बहुत जरूरी है। मैं इतना अच्छा लग रहा हूं कि तुम्हें नाखून खाना पड़ रहा है। सर आपने ही तो कहा था कि मैं बहन जी हूं, लड़कों जैसे दिखती हूं। तो फिर क्यों? क्या क्यों? क्यों ये पति बनने वाली शर्त? तुम लड़के की तरह दिखती नहीं, चलती हो। बहन जी तो तुम अब भी हो, कोई मॉडलिंग कॉन्टेस्ट नहीं जीतोगी तुम। लेकिन क्या है कि हमने साथ फेरे लिए हैं तो सात कदम पास आना भी पड़ेगा। पत्नी हो तो पत्नी तुम निभाना पड़ेगा। तो अब या तो अपना पति बना लो या फिर किसी का बॉयफ्रेंड बनने दो। नहीं बना तो फिर मैं चला।
Hello? Yes. Sun and star is strong. Come fast. Bye. डिनर के लिए यही जगह मिली थी? Mrs. Mehra. Cheers. डिनर के लिए जगह नहीं, फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है, और वो फीलिंग इस जगह की तरह तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे समंदर सिंह। सिरा देखना बंद करो मुझे और बोलो क्या पेश किया जाए। इंप्रेसिव। ये तेरे लिए। थैंक यू। बियर है? नो बियर। चाय, कॉफी, नींबू पानी, जल जीरा, जो आप मांगे हो आपको मिल जाएगा, पर आज एक सेकेंड, वाई नो बियर? क्योंकि आप दारू पे इकट्ठा एग्रेस हो जाते हैं और मुझे डर लगता है। अरे हमेशा परेशान करता है मुझे, चुप कर। अरे इज्जत बचाना मेरा फर्ज है यार। इज्जत? और वैसे समंदर सिंह, अब टाइम आ गया है आप और मैं बिन दारू के दोस्त बनी जाए। अवधि जैसे तुम अब दिख रही हो ना, कोई भी बिन दारू टल्ली हो जाएगा। मन मर्जियों पे अब हम चले।